बड़ी खबर यह कि आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रचार की रणनीति को लेकर भी बात हो सकती है और साथ ही इस बैठक में भविष्य का एजेंडा तय हो सकता है। आप जानते हैं इससे पहले कैंपेन कमेटी की जो बैठक होनी थी वो इसी वजह से टल गई थी क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज शरद पवार के घर पर होनी है। तो जो जानकारी मिल रही है दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रचार की रणनीति पर भी बात की जाएगी। कौन सा नेता कहां प्रचार करेगा, कितनी रैलियां की जाएंगी, ये वो तमाम बारीकियां हैं जिसको लेकर सहमति बन सकती है। और इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है आपके लिए जानना कि आज ये जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है इस मीटिंग में आज क्या होगा। देखिए सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले पर चर्चा मुमकिन है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार कर लिया है, सूत्र ये बता रहे हैं संयुक्त रैलियों और प्रचार को लेकर बात संभव है और मीटिंग में अंतिम रूप इन्हीं तमाम बातों को दिया जा सकता है। तो ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जो आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है उस पर चर्चा की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको यहां बड़ी स्क्रीन पर बताते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन ये वही सदस्य हैं जिनके नाम का ऐलान पिछली बैठक में किया गया था। इसमें कांग्रेस की तरफ से KC वेणुगोपाल शामिल है और जल्दी से ले आइए चेहरे, NCP की तरफ से शरद पवार इस कमेटी में है, TR बालू DMK महबूबा मुफ्ती PDP की तरफ से इसमें है, अन्य सदस्य जो इस कमेटी में शामिल हैं उनके चेहरे भी आपको दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव RJD की तरफ से तेजस्वी यादव इसमें शामिल हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन JMM। तो तमाम जो बड़े दल हैं उनको एक तरीके से प्रतिनिधित्व इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस रूप में मिला कि CPI की तरफ से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, संजय राउत शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, ललन सिंह JDU की तरफ से, TMC की तरफ से अभिषेक बनर्जी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल है और इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, JDU के अध्यक्ष ललन सिंह जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP News आपको रखे आगे।